इधर उत्तर प्रदेश में भले ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। लोकसभा के नतीजों के बाद यूपी के उपचुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा सफल कराने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं रोजगार और कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं। इस बीच सीएम विपक्ष पर हमलों की भी रोज नई किश्त जारी कर रहे हैं, और इस कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर तंज किया, तो अखिलेश भी पलटवार करने के लिए सियासी मैदान में कूद पड़े। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है, हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए जो काले रंग की टोपी आप पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है, हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है।